श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि किस प्रकार जो है ये पेंट जो है किया जाता है। तो देखिए, इस समय पे जो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको पेंट को रखना है, तो ये देखिए, ये जो पेंट है ये एशियन पेंट्स है, ठीक है जी। ये तो इसको जब हम करते हैं ना, तो करने के बाद आपको जैसे अब ये केशव का हो रहा है, लेकिन इस समय केशव जो है विग्रह में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम आग्रह करते हैं प्रभु से कि आप इस विग्रह में ना रहें जब भी आपको श्रृंगार किया जाए। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर इनके कोटिंग नहीं थी, लेकिन हम फिर भी इनको जो है भर रहे हैं। ये देखिए, तो इनको ये पेंट लगाने के बाद आपको कम से कम 5-6 घंटे, मतलब आपको रखना ही पड़ेगा, तभी ये अच्छे से सूख पाएगा। और बाकी आप जो है विग्रह में प्रभु से प्रार्थना ज़रूर करेंगे। मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, जब भी आप उनका श्रृंगार करते हैं, अगर वो भी अगर श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल हैं तो ठीक है, श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल के लिए ही ये पॉइंट्स हैं। तो आज जो है केशव का ये श्रृंगार जो है हो रहा है, उनकी माला, ये देखिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का ही करेंगे, जो उनकी हाइलाइट्स हट जाती हैं, तो उनको श्रृंगार ये देने के लिए। तो आज जो है श्रृंगार के लिए चल रहा है, ये देखिए, आप जैसा चाहें वैसा रूप जो है दे सकते हैं। और ये देखिए, जैसे यहाँ पे हार बना हुआ था लाला का, तो अब ये हार पे जो है भरा गया है, और इसको पूरी तरह बनने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो जब पूर्ण हो जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और डिज़ाइंस के लिए आप कहीं बुक में भी देख सकते हैं, और स्वतः मन से भी आप प्रभु पे अपने तरीके से जो है उनको अगर पेंट से सजाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लड्डू गोपाल को जो श्रृंगार वाले हैं, और जो बिना श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल हैं उनको तो मैं कहूँगी कि आप चंदन से ही करें, क्योंकि उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल आपके पास आए हैं, तो आपको श्रृंगार उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का रूप आप उनको भागकर लेकर आए थे, तो उसी तरह का रूप उनका होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से कलर्स का आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये सभी कलर्स वही हैं, ये देखिए, ये सारे एशियन पेंट्स के कलर हैं, और ये जो कलर्स हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। और साथ ही आप जब इनका पहले से जो कलर हुआ हुआ है उसको आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे उसका नाम मैं बता देती हूँ आपको। और वो मेरे पास आज तो जो भी था वो ख़त्म कर दिया, डिब्बा भी पता नहीं इन लोगों ने कहाँ पे रखा है, मिल भी नहीं रहा। तो वो आपको लेना है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री है, विदाउट एल्कोहल। तो आप उन रिमूविंग पैड्स हैं उसमें, आप उससे जो है बचा हुआ जो पहले के कलर्स होते हैं उसको हटा सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सिंपल सी बात है, अगर आपने श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल लिए हैं, तो देखिए आपको वैसे ही उनको फिर से सुंदर तो बना के रखना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चंदन से भी अगर उनका श्रृंगार करेंगे, अगर श्रृंगार हट जाएगा तो उस जगह पे कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं, और वो दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाते हैं अगर आप उनका रेगुलर मालिश करते हैं। बच्चे की आप मालिश करेंगे और उनको चंदन से स्नान कराएंगे। चंदन के लिए भी 2 तरह का चंदन आता है, एक अष्टगंधा चंदन जो है, अगर आप उससे स्नान कराते हैं तो उससे भी धब्बे आ जाते हैं। तो एक चंदन है, उसका नाम तो एग्जैक्ट वो लोग देते नहीं हैं, वृंदावन ही गए थे हम लोग, और हमने वहाँ से एक वाइटिश कलर में वो चंदन लिया था। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, नाम तो वैसे इसका गोपी चंदन ही है। देखिए, ये टीका तिलक करके, ठीक है, ये गोपी चंदन ही है, लेकिन ये चंदन जो है, जो खुला हुआ चंदन आता है ना, उससे डिफरेंट है ये। इससे जब हम स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छी शाइन आती है,
मतलब और बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल चमकते हैं। और ये चंदन ही है जिससे हम कभी कभी इनका जो मैंने बताया था ना फेस पैक हम लगाते हैं लड्डू गोपाल और अपनी लाडली को, तो वो चंदन का ही होता है। और एक चंदन जो प्योर है लकड़ी वाला, आप वो लकड़ी वाले चंदन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो और भी बेस्ट है। आपको उसको घिसना पड़ेगा पहले सिलबट्टे पे, और आप उस चंदन से भी बच्चे को स्नान कराएं तो आपके लड्डू गोपाल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये देखिए मैं अभी सामने दिख रही हूँ बनाते बनाते। तो ये अब इनका श्रृंगार जब हो जाएगा तब मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा श्रृंगार होने में। धीरे धीरे हम श्रृंगार करते हैं आराम से, क्योंकि आज के दिन जब श्रृंगार होता है तो लड्डू गोपाल रेस्ट में होते हैं, क्योंकि इसमें तो केशव नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो आपकी ये क्वेरी भी मैंने ख़त्म कर दी।